अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ब्राइट बल्ब एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? A1 है, चलो गुड हो गया। पहली टाइप है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया और आर्कियाज, आपको पता है ये दोनों पहले एक ही ग्रुप में रखे जाते थे, लेकिन फिर इसको सेपरेट डोमेन्स में रखा गया। तो बैक्टीरियाज और आर्कियाज की एक ही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों प्रोक्रियोट्स हैं। डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टिडोग्लाइकिन होती है, आर्किया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं होती है, लेकिन दे मे हैव सम स्पेशल लिपिड्स। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया है ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, विच मीन्स के ये डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन जो आर्कियाज हैं ये डिजीजेस कॉज नहीं करते। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं। जैसे हमें पता है, हम जो दूध है वो इसलिए उबालते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाए, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। जो आर्कियाज हैं ये दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, विच मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हीट देने से भी ये मरते नहीं हैं। ठीक हो गया। तो जो प्रोटिस्ट हैं, हमने पढ़ा था इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखे जाते थे जिसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसा कि अलगाए, प्रोटोजोआ और वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स। सबसे पहले आ जाते हैं अलगाए। अलगाए जो है बेसिकली ये भी यूकेरियोट्स है, प्रोटोजोआ यूकेरियोट्स है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ बैक्टीरियाज और आर्कियाज प्रोकेरियोट्स हैं, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकेरियोट्स होते हैं। तो जो अलगाए है इसके अंदर जो है वो सेलुलोज होती है, जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती है। दोनों यूकेरियोट्स होते हैं, दोनों फोटोसिंथेटिक भी हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल सीवेज और पॉन्ड्स का मैं जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये मैंने जितनी हाईलाइट की हुई है ना, ये आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखनी है। तो स्लाइम मोल्ड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी ये फंगस की तरह दिखने लग जाते हैं, कभी कभी लगता है कि ये प्रोटोजोन्स हैं। कुछ इसमें सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। अब आप देख सकते हो कि प्रोटिस्टा में कितनी कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको। इसी यही वजह थी कि जो जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है हमें लग रहा था कि किसी और किंगडम में फिट नहीं हो रहे, उन्हें यहाँ फिट किया गया। क्योंकि देखिए ना, यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, फंगस जैसे भी दिखते हैं, प्रोटोजोन जैसे भी दिखते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं भी हैं। तो बहुत यूनिक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स वाले जो हैं वो यहाँ पे रखे गए। फिर वाटर मोल्ड्स आया। तो वाटर मोल्ड्स जो हैं ये बेसिकली जो फ्रेश वाटर होता है और या जो गीली मट्टी होती है उसके ऊपर ये एक लेयर बना देते हैं ग्रीन कलर की, जिसे वाटर मोल्ड्स कहते हैं। और ये भी एमसीक्यू में मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ वाटर मोल्ड्स, तो माइल्ड यूज ऑफ वाइट रस्ट, ये इसकी सेकंड नेम है। इसके नाम से भी वाटर मोल्ड्स को जाना जाता है। उसके बाद फंगाई जो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में भी होते हैं, और इनकी जो सेल वाल है वो काइटिन से बनी होती है। अब आप देख सकते हो कि ये कितना कन्फ्यूजिंग है, इस पर थोड़ा आपको टाइम लगेगा लेकिन आपको हो जाएगा। तो यही वजह है कि ये जो जितने भी कन्फ्यूज करने वाली स्पीशीज़ थी उनको प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता था। तो वायरसेस जो हैं ये बेसिकली ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच मीन्स के अंदर इनके अंदर वो सेल वाला सिस्टम नहीं होता। जैसे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं, वायरसेस के अंदर सेल्स नहीं होते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन कैप्सिड पे मुश्तमिल होते हैं, ये प्रोटीन्स से बने होते हैं। लेकिन वायरसेस के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वायरसेस हैं ना उनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होता। या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, बट नेवर बोथ। ठीक है, और ये इनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन भी होती है कुछ के अंदर, जिनको आप एनवेलप कहते हो, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये एनवेलप्ड फॉर्म है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसको एनवेलप्ड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वायरॉइड्स, वायरसॉइड्स और प्रियोन्स। जो वायरॉइड्स और वायरसॉइड्स हैं ना, इन दोनों के अंदर डीएनए होता ही नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो वायरॉइड्स और वायरसॉइड्स दोनों के अंदर आरएनए होता है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, जो वायरसॉइड्स होते हैं ना, इन्हें बेसिकली रेप्लिकेशन और इनकैप्सिडेशन के लिए जो है कुछ हेल्पर वायरसेस की ज़रूरत पड़ती है। इनका अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, वो इस तरह का होता है कि इन्हें कुछ और वायरसेस की ज़रूरत पड़ती है, और यही वजह है कि इन्हें सेटेलाइट वायरसेस भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये हाईलाइट जो चीज़ें हैं इनको ज़रूर गौर से देखना है, ये एमसीक्यू में आएंगी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है प्रियोन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, ये इन्फेक्शियस होते हैं, तो इस वजह से ये हमारी बॉडी से किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यही वजह है कि प्रियोन्स को वायरसेस की कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि ये वायरल थे। लेकिन ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू हीट है, विच मीन्स कि हीट इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, और ये हीट की वजह से इतनी जल्दी नहीं मरते।